आरडी स्पोर्ट क्लब की तरफ प्रयागराज के तरफ से यहाँ पे देखिए बच्चों लोग यहाँ पे कंपनी गार्डन में चंद्रशेखर पार्क में एक्सरसाइज करते हुए कोच दिनेश पाल के मार्गदर्शन में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है प्रयागराज में आरडी स्पोर्ट क्लब प्रयागराज। जैसे कि देखिए लास्ट में भैया जी हैं जो एयरफोर्स के लिए आए हैं अपना 100% दे रहे हैं फिजिकल के लिए, और ये हमारे पवन भाई हैं जो एक मैराथन धावक भी हैं। उसके बाद में अब इनमें दिल में तमन्ना है टीए की टेरिटोरियल आर्मी की, जो सबकी बस की बात नहीं रहती है। और ये हमारे रंजीत जी हैं, ये भी स्पोर्ट के लिए तैयारी करते हैं। अभी तक ये इन्होंने स्टेट खेल लिया है, नेशनल खेलने के लिए मद्दा रखते हैं। ये हमारे भैया जी हैं आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और ये भैया जी हैं पुलिस ईपीपी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। अभी तो भैया जी हैं जो सबसे टफ बीआरओ माना जाता है बनारस बीआरओ की आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और ये भी भैया बनारस बीआरओ के ही हैं। जैसे कि देखिए बालू में एक्सरसाइज करते हुए आरडी स्पोर्ट क्लब के स्टूडेंट हैं, जो कि आज के दिन बंद रहता है लेकिन इनके अंदर इतना जुनून है कि आज के भी दिन रनिंग करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और जो कि आरडी स्पोर्ट क्लब के कोच दिनेश पाल सर के मार्गदर्शन में और बच्चों के प्रति इतना लगाव देखने को ही बनता है। और ये हमारे सीनियर भैया जी हैं असिस्टेंट कमांडेंट की लिए फिजिकल के लिए आए हैं, इनका अगर पढ़ाई में देखा जाए तो टॉप में रहते हैं लेकिन फिजिकल के कारण कुछ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आरडी स्पोर्ट क्लब में अगर ये ज्वाइन हो गए हैं तो अब की बार इन असिस्टेंट कमांडर बन के ही रहेंगे। और ये इनके अंदर जान भी है, जितना कहने को कर दिया जाता है उतना करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ चंद्रशेखर पार्क कंपनी गार्डन में आज हम सबको बालू में और हिल रनिंग करने को मिला, यहाँ पे हर प्रकार की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, स्पोर्ट के लिए हो मैराथन के लिए हो कोई भी आपकी फिजिकल हो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। और जहाँ तक एक सिलेक्शन 100% ही आपका रहता है कि आपको गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन आपका 100% आप खुद जान जाएंगे सिलेक्शन होगा। जैसे कि ये देखिए बॉडी बिल्डर साहब जी आए, इनका वेट कम से कम ज़्यादा था लेकिन 5 किलो वेट इनका कम हो गया, अभी 5 ही दिन में इंक्रीज हो गया है। तो आप सोचिए कैसे एक्सरसाइज करा हो रहा है, यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।